दर्शक बंधु, सोमवार दिन संध्यारे अचानक इज्राएल ईरान उपरे एक बड़ धरणर आक्रमण करिछि। फाइटर जेट्रु क्षेपणास्त्र माड़ करी ईरान रो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान को ध्वंस कर देछि इज्राएल। आपण माने चिंता करथुबे कि सीरिया उपरे इज्राएल तो आक्रमण करिछि एवं ईरान उपरे आक्रमण कला केमिति। मामला को जदि देखिबा ताहाले सीरिया रो राजधानी डमास्कस रे ईरान रो एक राष्ट्रदूत ऑफिस रहिछि एवं राजदूतंक ऑफिस रो अति निकटरे थिबा आउ एक कंसुलेट बा जहाकु मुख्य राष्ट्रदूतंक ऑफिस कहा जाउथवा बळे एहार परिचालित शाखा अंशकु कंसुलेट बोली कहा जाय एवं अति अल्प दूररे एई जों कंसुलेट सीरिया रो राजधानी डमास्कस रे ईरान रो रहिथिला एहा उपरे इजराइल आक्रमण करिछि एवं कुहा जाउची कि एही आक्रमण रे प्राय 10-11 जन मृत्युवरण करचन एवं एही मृत्युवरण करिबा भितरे गुरुत्वपूर्ण दुईटी घटना रहिची। गोटिए हला ईरान रो जेउ मिलिटरी फोर्स रहिची जहाकु IRGC बोली कुहा जाय बा ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एहार जणे सुप्रीम कमांडर एवं तांकर जणे सहकर्मी एमाने मृत्युवरण करिछंती एवं ता सह एथिरे सीरियार दुई जण एवं लेबानन रो जणे प्रशासनिक अधिकारी थिबा बळे एमाने मध्य एही 10-11 जणंक समेत मृत्युवरण करिछंती। तेणु एही क्षेपणास्त्र माडरे लेबानन रो सीरियार एवं ईरान रो कर्मचारी माने मृत होइथिबा बळे ईरान रो मिलिटरी बा प्रतिरक्षा विभाग रो जणे मुख्य कमांडरंकर मृत्यु हवा संभवतः एही परिस्थिति को अत्यंत गंभीरतापूर्ण भावरे समस्तंक सामना को आणिछि। लगातार भावरे ईरान एवं इजराइल मध्यरे विवाद किछि नुआ कथा नुहो। अनेक समय रे ईरान उपरे इजराइल एवं इजराइल उपरे ईरान आक्रमण करिथान जेमिति कि विगत वर्ष मानंकरे ईरान रो परमाणु ठिकणा उपरे लगातार इजराइल हमला जारी करिछि। एपरि कि ईरान रो सर्वोच्च परमाणु वैज्ञानिकंकु मध्य अत्यंत चतुरतार सह एथि पूर्वरु इज्राएल रो खुफिया संस्था मोसाद द्वारा मारि दिया जायथिबा खबर मध्य आसीछि एवं जेउ सीरिया रो डमास्कस रे ईरान रो राष्ट्रदूत ऑफिस रहिछि एथिरे कासिम सुलेमानींकर मध्य फोटोचित्र आपण माने देखि पारिथिबे। कासिम सुलेमानी थिले IRGC रो मुख्य कमांडर जहाकु अमेरिका द्वारा हत्या करा जायथिला बगदाद रो विमान बंदर पाखरे एको ड्रोन जरिया रे हमला करा जाय तांकु हत्या करा जायथिला एवं सेतेबेले अत्यंत बहुमात्रा रे ईरान एवं अमेरिकार मध्य संपर्क खराब रहिथिला एवं सुलेमानींकर समर्थन रे एक विशाल जनसमावेश तांकु अश्रुळ श्रद्धांजलि मध्य ज्ञापन करिथिले। एभळी क्षेत्र रे बे पुणी जणे वरिष्ठ कमांडरंक मृत्यु ईरान संभवतः एही घटना को मोटामोटी भावरे अत्यंत गंभीरतार सह नेइथिबार प्रकाश पाइछि। एबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण हला एठारे सीरिया रो दुई जण एवं लेबानन रो जणे मृत्युवरण करथिबा जणा पड़ी एवं सबुठु बड़ कथा हला कि ए नै सीरिया रो राष्ट्रपति बशर अल असद मध्य सीधा सळख एही घटना को निंदा करथिबा बळे जेहेतु लेबानन रो जणे कर्मचारी मृत्युवरण करथिला एहा को नै लेबानन रे सक्रिय थिबा हेजबुल्ला गोष्ठी मध्य एबे एहार उचित जवाब दिया जीव बोली घोषणा करबा देखा दे। तबे मामलार गुरुत्वपूर्ण कथा अटकुची जेतिकी बेले एही आक्रमण रे जणा पडिथिला कि ईरान रो जो IRGC बा ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बा एक प्रतिरक्षा मिलिटरी संस्था बोली कहा जाउ एहार जो मुख्य उपदेष्टा जहां को कहा जाउची ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जहिती जे कि जणे सीनियर स्तरीय बा मुख्य स्तरीय कमांडर एवं एक मिलिटरी को परिचालना करथवा भली दक्षता तांक पाखरे रहितिया बळे आउ जणे जों सहकर्मी तांक सह थिले ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हाजी रहिमी एही दुई जणंकर मृत्यु होइतिबा संभवतः ईरान पई मध्य एक बड़ क्षति बोली जणा पडिची। तेबे एठारे थिबा ब्रिटेन रो जों एक संस्था जहाकु वार मॉनिटर संस्था बोली कहा जाउची बा जहाकु कहा जाय सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स एमानंकर मतरे प्राय 11 जन लोकंकर एही क्षेपणास्त्र माडरे मृत्यु होइथिबार सूचना मिलिछि। कहा जाउची कि इजराइल F-35 फाइटर जेट को व्यवहार करी प्राय 6 क्षेपणास्त्र माड करी एही कंसुलेट को उड़ाई देइछि। जदियो एहा सीरिया रे अछि किंतु कहा जाय जेउ देश रे जेउ जेउ देश रो राष्ट्रदूतंकर ऑफिस थाए सेही अंचल को सेही देश रो बोली कहा जाय थाए। अर्थात सीरिया रा डमास्कस रे जेहेतु ईरान रो राष्ट्रदूत ऑफिस रहितला एवं एहा उपरे जेउ आक्रमण होइतला एहा ईरान अंचल रे आक्रमण बोली एहा को धरा जाय छि। तबे एही आक्रमण रे ईरान
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଇରାନ ଏକ ଅପିଲ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ଉଚିତ ସମୟରେ ଏହାର ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କି ଏଥିରେ ଆମେରିକାର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କେବେ ଓ କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।